नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्ताकार भ्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर 30 खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ये जो है आकृति 12.12 है और ये जो है एक वृत्ताकार भ्रूज है जिसका व्यास जो है कितना है, तो 35 mm है। अब देखिए चांदी के तार को जो है वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी जो है प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर 30 खंडों में विभाजित कर देता है। आगे देखिए, तो ज्ञात कीजिए एक में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब कि इस वृत्ताकार भ्रूज को बनाने में जितना चांदी के तार लगा है उसका जो है लंबाई ज्ञात करना होगा। आगे देखिए टू में भ्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि इस भ्रूज में जो है जितना भी त्रिज्यखंड है, मतलब हम लोग को जो है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्ताकार भ्रूज का जो व्यास है वो कितना है, तो 35 mm है। तो त्रिज्या कितना होगा, तो 35/2 mm। अब चलिए एक से चलते हैं। एक में क्या है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा, तो इस वृत्ताकार भाग के परिधि और 5 व्यास के लंबाई का योग। तो देखिए यहां पर लिखेंगे 2πr, मतलब इस वृत्ताकार भाग के परिधि कितना, तो 2πr प्लस कितना व्यास है, तो 5 व्यास है, तो यह लिखेंगे 5×2r 5 व्यास के लिए। तो यह देखिए यहाँ लिखेंगे 2×π/2/7, r का मान कितना है, तो 35/2 mm के रूप में है, प्लस 5×2×35/2 mm। अब यह देखिए 7×5 35, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2×5 कितना होगा, तो 110, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो 35×5 175 mm। और जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 285 mm। तो इस वृत्ताकार भ्रूज को बनाने के लिए जो है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना है, तो 285 mm। अब चलिए इसके बाद जो है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए इस वृत्ताकार ब्रुज का जो है 10 बराबर 30 खंडों में जो है विभाजित कर दिया गया है, इसीलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो कितना होगा, तो 360 डिग्री/10 होगा। ये देखिए यहाँ आप लिखेंगे 2 के लिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण बराबर कितना, तो 360 डिग्री/10, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो थीटा मान लेते हैं। अब देखिए 360 डिग्री में जो है 10 से भाग क्यों दिए हैं, तो 360 डिग्री में जो है 10 से भाग इसीलिए दिए हैं क्योंकि टोटल जो यहाँ पर कोण है वो कितना है, तो 360 डिग्री है। और जैसे कि प्रत्येक कोण को जो है हम थीटा माने हैं, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी और ये भी और ये भी, और जब सभी थीटा को जोड़ेंगे तो आएगा 10θ/360 डिग्री, और थीटा बराबर लिखेंगे 360 डिग्री/10, मतलब ये होगा 36 डिग्री। तो हमें जो है त्रिज्यखंड का कोण मिल गया, त्रिज्या जो है कितना दिया गया है, मतलब त्रिज्या निकाल लिए हैं पहले ही, r बराबर 35/2, r बराबर 35/2 mm।
तब जो है हमें प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जो है सभी त्रिज्यखंड का जो कोण है और त्रिज्या है वो क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना लेना है, तो बस बटा 7 गुने आर का मान कितना है, तो 35/2, तो इसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, गुने थीटा कितना है तो 36 डिग्री, और बट्टे में 360 डिग्री। यहाँ देखिए 36 देने कितना होगा, तो 360, और यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने 35 का स्क्वायर होगा, 35/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 35/2 गुने 35/2, और नीचे में जो है क्या है, तो 10 है, तो इसको लिखेंगे 1/10। यहाँ देखिए 2 से जो है जब 22 भाग दें तो आएगा 11, 7 5 35, और देखिए 5 2 10, तो 35 × 11 कितना होगा, तो 385, और 2 × 2 कितना होगा, तो 4 होगा, कितना होगा 4, तो 385/4 mm स्क्वायर जो है क्या आ गया, तो इस वृत्ताकार भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,